हेलो एवरीवन, डीपीएस शिक्षक भर्ती 2023-24 अर्जेंट स्टाफ की जो है आवश्यकता की गई है। यहाँ पर फ्रेशर भी जो है अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्राइमरी टीचर, काउंसलर, लाइब्रेरियन, इसके अलावा भी कई वैकेंसी हैं। नोटिफिकेशन में हम देखने वाले हैं। सैलरी आप सभी जानते हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल काफ़ी अच्छा स्कूल रहता है। सैलरी यहाँ पर 35,000 से स्टार्टिंग हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं, वैकेंसी आई है दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड, न्यू दिल्ली। इसकी मेन वेबसाइट पर आप लोग वैकेंसी सेक्शन पर आएंगे तो आप लोगों को कंप्लीट जो विज्ञापन है, एडवर्टीजमेंट जो है, वो बिल्कुल आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मेंशन की गई हैं। कैसे जो है आप लोग, लास्ट में आपको मिलेगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड द फॉर्म। कैसे फॉर्म डाउनलोड करना है, कैसे फिल करना है, कैसे भेजना है, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वैकेंसी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फैशन स्टडीज़ की वैकेंसी है, तो इसके लिए बैचलर डिग्री मांगा गया है फैशन डिज़ाइनिंग में। नेक्स्ट, यहाँ पर पीजीटी फूड प्रोडक्शन टीचर के लिए जो है बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट या कैटरिंग टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। 36 ईयर जो है यहाँ पर कहा गया है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए यहाँ आपके पास जो है ग्रेजुएशन के साथ में बीएड 50% अंकों के साथ में सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, बिलो 30 ईयर्स, 30 साल तक, ठीक है। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है इंग्लिश में या हिंदी में, तो यहाँ पर आप लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, प्रेफरेंस मिलेगी। टीजीटी फ्रेंच की है वैकेंसी, जहाँ पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट या एडवांस डिप्लोमा इन फ्रेंच तो अप्लाई कर पाएंगे। टीजीटी काउंसलर फीमेल के लिए यहाँ पर बीएड नहीं मांगा गया है, बीए विद साइकोलॉजी अगर आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन के साथ में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है काउंसलिंग का तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए जो है लाइब्रेरी में आपके पास होना चाहिए डिग्री या डिप्लोमा। केवल असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस लिखा है, एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन अ लाइब्रेरी, ठीक है, बाकी किसी के लिए एक्सपीरियंस नहीं कहा गया। नेक्स्ट, प्राइमरी टीचर्स के लिए यहाँ पर 12th 50% अंकों के साथ में 2 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, आपके राज्य में किसी भी नाम से जाना जाता हो, डीलेड, डीएड, बीटीसी, ठीक है, तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है एजुकेशन में और स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं 12th के साथ में, या ग्रेजुएशन अगर आपने किया है और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है बाय वट एवर नेम नाउ, किसी भी नाम से जाना जाता हो, ठीक है, आपकी जिस भी बोर्ड से आपने किया है। उसके बाद जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो चाहिए ही, यानी 12th के साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या ग्रेजुएशन के साथ में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, साथ में आपके पास सीटेट पेपर 1 जो है क्वालिफाई होना चाहिए, यहाँ भी 30 ईयर जो है कहा गया है। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है प्राइमरी सेक्शन के लिए, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में 50% अंकों के साथ में, 30 साल जो है यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप लोगों को यहाँ प्राथमिकता मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगा। बाकी यहाँ फिजिकल एजुकेशन के लिए यहाँ पर डिग्री या डिप्लोमा नहीं लिखा गया। एज रिलैक्सेशन टू फीमेल कैंडिडेट एज पर रूल, जो भी एज यहाँ पर लिखी गई है 30 साल, तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को छूट मिलेगी, ठीक है। जितनी भी यहाँ पर पोस्ट हैं तो उनके लिए केवल फीमेल कैंडिडेट को छूट दी जाएगी। तो 5 साल की जो छूट है वो आप देखते हैं, अधिकतर जो है 5 साल की छूट जो है वो मिलती है। सैलरी एज पर द पॉलिसी ऑफ डीपीएसएस, ठीक है, तो यहाँ सैलरी जो है, जो भी डीपीएस स्कूल होते हैं, बहुत सारी वैकेंसी की जो वीडियो मैं बना चुकी हूँ वहाँ आप लोगों को बता भी चुकी हूँ, सैलरी जो है दिल्ली पब्लिक स्कूल में काफ़ी अच्छी मिलती है। गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर फॉर फिलिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो यहाँ पर जो है निर्देश दिए गए हैं, पूरा जो है प्रोसीजर दिया हुआ है कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले विजिट द वेबसाइट, ये जो है इसकी वेबसाइट है dpsmathura.org, ठीक है, इसमें आप लोगों को वैकेंसी सेक्शन में आना है। उसके बाद जो है यहाँ लिखा है कि फॉर्म जब भी भरें आप, तो उससे पहले जितने भी इंस्ट्रक्शन है एलिजिबिलिटी केयरफुली आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद जो है प्लीज डाउनलोड द फॉर्म, उसके बाद डाउनलोड करना है फॉर्म। नेक्स्ट क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल लेना है, डाउनलोड करने के बाद उसे भर लेना है, और यहाँ पर DD डिमांड ड्राफ्ट या PO जो है 200 रुपये का आपका जो है वो बाहर से बनेगा। आप लोग जो है
बैंक में जाकर भी बनवा सकते हैं स्कूल के नाम का, ठीक है, या पोस्ट ऑफिस में जाकर बनवा सकते हैं। तो ये जो है प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड, इस नाम से जो है आपका बनेगा। उसके बाद जो है आप लोगों को स्पीड पोस्ट या कुरियर जो है स्कूल के नाम का, और ये पिन कोड नंबर है, आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट के साथ में एप्लीकेशन फॉर्म इस एड्रेस पर सेंड कर देना है। प्लीज़ कीप अ कॉपी एंड प्रिंट आउट ऑफ द फिल्ड फॉर्म फॉर योर रिकॉर्ड। आप जो भी प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसकी एक कॉपी जो है अपने पास रिकॉर्ड के लिए जो है सुरक्षित तो रखें। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन को फुलफिल करेंगे तो उनको जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, और उसके बाद होगा आप लोगों का इंटरव्यू। एग्जाम नहीं होगा, केवल इंटरव्यू रहेगा। और फॉर्म के जो है भेजने की लास्ट डेट जो है वो 8 नवंबर दोपहर 2 बजे तक रहेगी, ये आप देख लें। तो अगर आप जो है यहाँ पर एलिजिबल हैं, आपका सब्जेक्ट है, इंटरेस्टेड हैं, तो आप यहाँ पर जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 8 नवंबर 2023 2 बजे तक। यहाँ पर फॉर्म आप लोग भेज पाएंगे। फॉर्म रिसीव्ड लेटर विदाउट ड्राफ्ट आर लाइकली टू बी रिजेक्टेड। बिना ड्राफ्ट के जो है नहीं भेजना है। तो चलिए यहाँ पर एक बार फॉर्म जो है डाउनलोड करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये कंप्लीट जो है फॉर्म आपको यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। बहुत ही जो है इजी रहेगा इसको भरना, ज़्यादा बड़ा नहीं है, केवल 2 ही जो है यहाँ पर पेज हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है फिल कर लेना है, पहले डाउनलोड करना है, फिर फिल करना है, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट के साथ में फ़ोटो लगा के, और फिर जो है 200 रुपये के डिमांड ड्राफ्ट के साथ स्कूल भेज देना है। तो जैसे ही मेन वेबसाइट पर आते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो यहाँ पर नीचे आप देखेंगे, ये देखिए ये लिखा हुआ है वैकेंसी, इसी पर जो है आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये पूरा एडवर्टीजमेंट आपके सामने होगा, इसे आप पढ़ लेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।